अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे शलजम के पत्तों की सब्ज़ी। ये शलजम के पत्ते हैं जिसको हमने धोकर साफ़ कर लिए। इसको अलग अलग सिर्फ पत्ते लेने हैं, डंठल नहीं लेनी है उसकी। और यहाँ पे हमने एक कढ़ाई में हमने ऑयल गरम किए हैं। अब इसमें हम राई और ज़ीरा आधा आधा चम्मच डालेंगे। यहाँ पे हमने ये दो प्याज लिए बारीक कटी हुई, इसको अब फ्राई करेंगे। इसका कलर चेंज होने तक इसको फ्राई करना है। ऑनियन फ्राई हो चुका है, अब इसमें हम दो हरी मिर्च बारीक कटी हुई है और एक रेड मिर्ची है सूखी वाली। अब इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे आधा चम्मच और आधा चम्मच मिर्ची पाउडर। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें पत्तों को ऐड करना है। अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसको ऐसे ही ढक के रखेंगे 5 मिनट तक का। पाँच मिनट के लिए ऐसे ही ढक के रखना है, पकाना है इसको। मिनट हो गए, अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे। अब इसमें हम नारियल का जो थोड़ा हुआ नारियल है वो 2 चम्मच ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी रहती है और इसके बहुत अच्छी खुशबू भी आने लगी है और ये बीपी को भी कंट्रोल में रखती है। अब इसको 2 मिनट तक ढक के ऐसे ही रखना है। और ये हड्डियों के लिए भी बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें कैल्शियम की मात्रा जो रहती है वो बहुत ज़्यादा रहती है, इससे हड्डी वगैरह सब मजबूत रहती है। इसे 2 मिनट तक ढक के ऐसे ही पकाएंगे। दो मिनट हो गए और सब्जी भी पक के रेडी हो गई है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये हमारी सब्जी बनकर रेडी हो गई है। आप इसे रोटी के साथ, चावल के साथ खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।